अभी हम निकलने वाले हैं घर। दोस्तों आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं गुना शहर में हूँ और यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आया था, उसका ब्लॉग वीडियो भी मैंने बनाया है। तो दोस्तों अभी बर्थडे पार्टी हो गई है और अभी हम निकलने वाले हैं घर पर। तो दोस्तों यहाँ से हम पकड़ेंगे सबसे पहले टैक्सी। टैक्सी पकड़ने के बाद दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। रेलवे स्टेशन पहुँच कर दोस्तों हमें वहाँ से ट्रेन मिलेगी, जिस ट्रेन से हम खुरई के लिए वापस निकलेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो गाइज अब हम निकल गए हैं घर से टैक्सी लेकर स्टेशन की ओर। तो अभी हम स्टेशन जा रहे हैं और देखिए दोस्तों यह गुना शहर है। हम दोस्तों गुना शहर से अब अपने घर की ओर निकल गए हैं। दोस्तों मैं टैक्सी में बैठा हूं और मेरे साथ है शिवम, दिव्यांश और अंशिका। तो दोस्तों मैं ओवरब्रिज होकर रेलवे स्टेशन जा रहा हूं और यहां गुना शहर में काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, काफ़ी सुंदर और अच्छी सड़कें गुना शहर में बनी हैं, क्योंकि यह श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का गढ़ है। यहां गुना क्षेत्र से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांसद हैं वर्तमान में। और दोस्तों मैं बातों ही बातों में पहुंच गया हूं गुना जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां पर लिखा है आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों गुना रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां से चारों ओर हम भारत देश में जा सकते हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों यहां चारों ओर की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी ओर की ट्रेन आती हैं। तो दोस्तों गुना रेलवे स्टेशन का काम काफ़ी ज़ोरों से लगा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। और अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं प्लेटफार्म नंबर एक पर। यहां पर लिखा भी हुआ है गुना जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों मेरी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर आ गई है। दोस्तों इसी ट्रेन से हमें बीना जंक्शन की ओर जाना है। तो यह नज़ारा आप देखिए गुना जंक्शन का। अब दोस्तों हम जल्दी ही ट्रेन में बैठेंगे और देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन चल पड़ी है और गुना शहर से अब हम अपने घर की ओर बीना शहर की ओर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों यह गुना शहर मध्य प्रदेश का ज़िला है। दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ गया हूं और अभी मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा हूं। मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो यहां पर बना लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम गुना शहर से बाहर निकल रहे हैं। Yeah, I'm gonna get you.
बहुत बढ़िया है। बर्थडे की पार्टी में खूब बर्थडे मना। अच्छा खाना कहाँ चल रहे? तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं बीना जंक्शन, जो कि दोस्तों पूरे भारत देश का एक विशेष रेलवे जंक्शन है, बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है। अभी दोस्तों हम बीना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों देखिए बीना जंक्शन कितना बड़ा और मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रख्यात, और इसी जंक्शन की वजह से बीना शहर को जाना जाता है। बीना शहर दोस्तों मेरे शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों बीना शहर से हम जब भी मेरे शहर की ओर जाते हैं तो मुझे कोई भी उस रूट की ट्रेन जब मिल जाती है बीना से दमोह के लिए। अभी दोस्तों हम प्लेटफार्म पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर दोस्तों और भी कई ट्रेन लगी हुई हैं जो कि यह वीडियो में आप देख रहे हैं। दोस्तों यहां से हम भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन यहां बीना रेलवे स्टेशन पर आती जाती हैं। तो अभी दोस्तों हम प्लेटफार्म पर पहुंच गए हैं। दोस्तों यह देखिए बीना का ओवरब्रिज, यहां पर रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है और यहां पर डिस्प्ले भी लगी है। दूसरी ओर दोस्तों यहां पर 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफार्म का यह बोर्ड लगा हुआ है। शिवम मेरे आगे आगे जा रहा है, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं प्लेटफार्म पर। दोस्तों यहां पर बीना जंक्शन लिखा हुआ है और हम पहुंच गए हैं प्लेटफार्म पर। तो यह देखिए दोस्तों मालगाड़ी यहां से गुजर रही है, निकल रही है। दोस्तों इसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे शहर। तो अभी यह मालगाड़ी निकल रही है और शिवम और दिव्यांश मालगाड़ी को देख रहे हैं।
दोस्तों यह मालगाड़ी है जिसमें कि माल ढोया जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मेरे शहर। तो ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।